हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड नॉलेज इन मेडिकल साइंस। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हार्ट डिजीज़ यानी हमारे हृदय की जो भी रोग होते हैं, जो भी बीमारी होती है, तो सारी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे और उसकी जो ट्रीटमेंट है उनका ट्रीटमेंट है कि कौन सी बीमारी में कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो सबकी एक एक करके बात करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमारी कंडीशंस होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, एंड हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, कार्डियक अरेस्ट यानी हमारा हार्ट जब काम करना बंद कर देता है तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो सारी ऐसी कंडीशंस की बात करेंगे और इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि गाइस आपको हमारे चैनल पर ऐसी अनलिमिटेड वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। मेडिकल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल रिलेटेड हर एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी टर्म्स है जिनको हम देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर टर्म की बात करें तो यहाँ पर पहले होता है हाइपर टेंशन यानी कि हाई बी पी, यानी इसमें हमारा बी पी है वो बढ़ जाता है, एंड सेकेंड होती है वो होता है लो बी पी यानी हाइपो टेंशन, तो यहाँ पर हमारा जो बी पी है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड थर्ड कंडीशन है वो होगा कार्डियक अरेस्ट यानी जिसमें हमारा हार्ट है उसको फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाती है, वो काम करना बंद कर देता है, एंड फोर्थ नंबर है हार्ट अटैक, मतलब कि जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो उसमें ब्लड फ्लो या फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। तो गाइस ये सारी टर्मिनोलॉजी है एंड ये टर्म्स है, तो इनका हम ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं हाइपोटेंशन का एंड कार्डियक अरेस्ट का। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट हमारा है इंजेक्शन नॉरेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, नॉर एड्रीनलिन के नाम से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, एंड नॉरेड के नाम से भी काफ़ी फेमस है जो कि 4 mg में आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इसका यूज इमरजेंसी इंजेक्शन है तो इनका यूज ज़्यादातर जो आईवी रूट से किया जाता है, जो कि जल्दी से डिजॉल्व होकर ब्लड में और अपना फंक्शन दिखा सके, इसलिए ज़्यादातर जो भी इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं उनका यूज ओनली आईवी ही किया जाता है। तो गाइस नॉरेड की बात करें तो इसका यूज किया जाता है हाइपोटेंशन यानी लो बीपी में। गाइस जब भी हमारा बीपी लो हो जाता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए नॉरेड का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वो बीपी है वो कंट्रोल हो जाए, उसकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। एंड सेकेंड नंबर कार्डिक अरेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है, जब हमारा हार्ट है जो कि काम करना बंद कर देता है और उसकी फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाती है, तब भी नॉरेड का यूज किया जाता है, नॉर एड्रिनलिन का यूज किया जाता है, जिससे कि जो हार्ट का फंक्शन है उसको रिट्राइव किया जा सके और हार्ट को पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति यानी पहले की जैसा फंक्शनिंग में लाया जा सके। तो गाइस ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड गाइस अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, तो गाइस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो आ जाता है यहाँ पर इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एंड गाइस इसकी टैबलेट्स आती है जो कि सबलिंगुअली दी जाती है, जो गाइस जो हमारी जीभ होती है तो उसके नीचे रखकर इनको मतलब लिया जाता है टैबलेट्स को, क्योंकि हमारे जीभ के नीचे सबसे ज़्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है तो वहाँ से जल्दी से अब्जॉर्ब होकर अपना फंक्शन दिखाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स है जो कि सबलिंगुअल दी जाती है, एंड इसका यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको लो करने के लिए, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। एंड गाइस चेस्ट पेन में भी इसका यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है चेस्ट पेन के अंदर यानी एंजिना के अंदर, जब भी हमारे चेस्ट में पेन होता है यानी हमारी छाती में कभी भी दर्द होता है, जैसे ही दर्द हो जाए तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जाने वाली टैबलेट है नाइट्रोग्लिसरीन। एंड गाइस ओवरऑल इसका फंक्शन देखे तो यह डिक्रीज ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है, मतलब हमारा जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड चेस्ट पेन में भी इसका यूज किया जाता है, हमारी छाती में दर्द होता है तो उसको रिलीव करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड गाइस हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, तो गाइस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आ जाता है इंजेक्शन निकार्डिया। एंड गाइस ये इंजेक्शन और टैबलेट दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास टैबलेट्स का फोटो है, तो देख सकते हो आप टैबलेट्स का यहाँ पर दिख रहा है। तो निकार्डिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है गाइस, तो इसका यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो गाइस इसके यूज की बात करें तो इसका यूज हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी में, मतलब बीपी को लो करने में किया जाता है, हार्ट अटैक मतलब जब हमारा हार्ट है उसको फंक्शन ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तब भी इसका यूज किया जाता है। एंड एंजिना यानी चेस्ट पेन में यानी छाती में दर्द में भी इसका यूज किया जाता है, और स्ट्रोक में भी इसका यूज किया जाता है, जब स्ट्रोक मतलब होता है कि हमारे कोई पर्टिकुलर इलाके में या फिर हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है, तब भी जो निकार्डिया उसका यूज किया जाता है। एंड गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारा नेक्स्ट है वो जाते हैं यहाँ पर टैबलेट्स एम्लोवास, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाती है, इसमें अमीलोडिपाइन साल्ट पाया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है एम्लोवास के नाम से, एम्लोवास के नाम से। एंड गाइस इसका यूज भी हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी में किया जाता है, बीपी को डिक्रीज करने में, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कम करने में किया इसका यूज किया जाता है।
एंड एंजिना में भी इसका यूज किया जाता है, यानी जो चेस्ट पेन है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ओवरऑल इसका फंक्शन देखें तो गाइस यह है, मतलब जो हार्ट अटैक है और स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, यानी हमें हार्ट अटैक से बचाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, इसलिए ये मतलब बीपी को लो कर देता है और चेस्ट पेन को भी लो कर देता है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक से बच जाते हैं। एंड गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारा नेक्स्ट हो जाता है इंजेक्शन डाइजेम। तो गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसमें डिल्टियाजेम हाइड्रोक्लोराइड शार्ट पाया जाता है एंड ये भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। गाइस ये एक CCB है, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके जो ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज करती है, यानी नॉर्मल करती है। अगर हमारा बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब हाई हो जाता है, मतलब हमें बीपी हाई हो जाता है, तो उसको डिक्रीज करने में ये हेल्प करता है एंड उसको उसकी नॉर्मल कंडीशन में लाने में भी ये मदद करता है। एंड गाइस एंजिना में भी इसका यूज किया जाता है, चेस्ट पेन में एंड इररेगुलर हार्ट बीट में भी इसका यूज किया जाता है। गाइस कभी कभी क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट है वो रेगुलर, मतलब एक कंडीशन में नहीं चलती है, वो कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए भी डिल्टियाजेम का यूज किया जाता है, मतलब डिल्टियाजेम का यूज किया जाता है एंड इट हेल्प इन ब्लड वेसल्स रिलैक्स। मतलब गाइस ये भी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हुआ है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो थोड़ा लो हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट टैबलेट है Telma AM, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गाइस ये भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, इसमें Telmisartan जो शार्ट पाया जाता है एंड ATMG हमें इसमें Telmisartan शार्ट मिल जाता है एंड Amlodipine 5mg इसमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये एक कंपाउंड मतलब मिक्सअप है शार्ट का एंड इसका यूज भी हाई बीपी में किया जाता है, दोनों का और ज़्यादा उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो अभी हमने एम्लोबास की बात की इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका यूज उससे ज़्यादा किया जाता है। यह भी मतलब हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प करता है एंड इट हेल्प इन रिलैक्स ब्लड वेसल्स एंड मेकिंग ब्लड फ्लो ईजी, मतलब कि गाइस ये भी ब्लड फ्लो को ईजी करता है और ब्लड जो वेसल्स है उनको रिलैक्स करता है, हमारे जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनको मतलब रिलैक्स कर देता है, जिससे कि उसमें आसानी से ब्लड जा सके और उस पर प्रेशर ना लगे। तो गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंजेक्शन डाइटोर, जो कि गाइस डायूरेटिक है, जो कि हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। मतलब कि गाइस हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन में डायूरेटिक का क्या रोल होता है। तो गाइस जैसे हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है और फ्लूइड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जिससे कि हमें मतलब जो हाइपरटेंशन कंडीशन हो जाती है। तो गाइस हम जब डाइटोर का यूज करेंगे तो ये एक डायूरेटिक है, मतलब कि जो यूरिन है उसके आउटपुट को बढ़ा देती है। तो गाइस इससे क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है वहाँ पर उसकी फंक्शनिंग है वो स्पीडली होने लगती है, उसकी फंक्शनिंग है जो बढ़ जाती है, तो जो किडनी है वो अपना फिल्ट्रेशन जल्दी जल्दी करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसको बाहर निकाल देती है किडनी के द्वारा यूरिन के फॉर्म में, जिससे कि जो ब्लड वॉल्यूम है या फिर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है बॉडी में वो अपनी नॉर्मल कंडीशन हो जाता है और जो हमारा हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल हो जाता है। एंड गाइस ये भी डायूरेटिक है, तो यूरिन का आउटपुट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और किडनी डिजीज में भी इसका यूज भी किया जाता है। एंड गाइस ये प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से, और गाइस इसमें Telmisartan शार्ट पाया जाता है एंड N10mg में इसको देखने को मिल जाती है। तो गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट टैबलेट वो जाती है टैबलेट ब्रिलियंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है एंड ब्रिलियंट नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। एंड गाइस इसका यूज भी हाइपरटेंशन में किया जाता है, यानी जब भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए वही मतलब लो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड यह एक ब्लड थिनर है, यानी कि जब भी हमारा ब्लड है उसमें गाढ़ापन हो जाता है, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ जाती है ब्लड की, यानी वो गाढ़ा हो जाता है, तो उसको थिन करने में भी यह हेल्प करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। क्योंकि गाइस जब भी हमारा ब्लड थिन हो जाएगा तो वेसल्स पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, जिससे कि हमें जो हाई बीपी है यानी बीपी हाई की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए यह एक ब्लड थिनर है जो कि ब्लड को पतला करता है, जिससे कि आसानी से ब्लड जो आर्टरीज या वेंस है उनमें फ्लो हो सके, मतलब ब्लड वेसल्स में फ्लो हो सके। तो गाइस ये देख सकते हो ये प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड क्लॉट फॉर्मेशन, यह हमें हार्ट अटैक से बचाता है। एंड गाइस जब भी ब्लड मतलब गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो क्लॉट फॉर्म होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि गाइस गाढ़ी चीज होगी तो जल्दी से वो क्लॉट बनाएगी, इसलिए यह मतलब क्लॉट फॉर्मेशन से भी बचाता है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक से भी बचा लेता है। एंड गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट आ जाती है टैबलेट Rosuvastatin। एंड गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, इसमें Rosuvastatin शार्ट पाया जाता है एंड ये भी बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली टैबलेट्स है। तो गाइस इसका यूज रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल में किया जाता है, यानी गाइस हमारी बॉडी में जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक प्रोडक्ट है
जो कि हमारे मतलब हार्ट अटैक जैसी कंडीशन ला देता है एंड बहुत हमारे हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो गाइस यह मतलब कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जिससे कि बीपी वगैरह भी रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर है वो भी अपने नॉर्मल रहता है। एंड गाइस ये देख सकते हो, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड नैरोइंग ब्लड वेसल्स से भी बचाता है, क्योंकि गाइस कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स में जम जाता है एक तरह से, मतलब कि वापस स्टेट हो जाता है और उनकी जगह को घेर लेता है, जिससे कि ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता है एंड जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ओवरस्ट्रैक्ट कर देता है और जिससे कि उसका फ्लो, ब्लड का फ्लो है वो बंद हो जाता है। तो यह मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करती है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। एंड गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट हो जाती है टैबलेट वेंजील 5। एंड गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है एंड वेंजीन अप्रिल साल्ट्रेस में पाया जाता है एंड 5 mg में देखने को मिल जाती है। एंड गाइस इसका यूज भी हाइपरटेंशन में किया जाता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, एंड यह भी ब्लड वेसल्स है उनको रिलैक्स करती है और बीपी को कंट्रोल करती है। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, तो गाइस हमारी नेक्स्ट हो जाती है टेबलेट क्लोपीवास। एंड गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है एंड यह 75 mg में हमको देखने को मिल जाती है। एंड गाइस इसके यूज की बात करें तो यह है एंटी प्लेटलेट्स है, मतलब कि गाइस जब भी हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी तो वही गाइस प्लेटलेट्स भी कोलेस्ट्रॉल की तरह ही कार्य करती है, जो कि ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देती है, मतलब गाढ़ापन को बढ़ा देती है, जिससे कि वही मतलब कोलेस्ट्रॉल जैसे कि जमा होने के चांस होते हैं और वो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज होने के चांसेज होते हैं। इसलिए गाइस जो क्लोपीवास जो 75 है ये एंटी प्लेटलेट्स है, जो कि प्लेटलेट्स काउंट को नॉर्मल रखती है, जिससे कि ब्लड है उसकी विस्कोसिटी सही रहे, वो आसानी से ब्लड वेसल्स में फ्लो कर सके। एंड गाइस देख सकते हो ये रिड्यूस हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाता है। तो गाइस ये थे वो इंजेक्शन एंड टैबलेट्स जो कि हार्ट डिजीज में यूज की जाता है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, हाइपोटेंशन हो, कार्डियक अरेस्ट हो या फिर हार्ट अटैक हो, तो गाइस ये सारे का यूज किया जाता है। एंड गाइस आपको इनमें से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी नहीं लेनी है, क्योंकि गाइस डॉक्टर है वो उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से हमें टेबलेट्स या इंजेक्शन देता है, जिससे कि मतलब उस कंडीशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी एमजी की, कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है। तो गाइस बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, ये वीडियो ओनली नॉलेज के पर्पज़ के लिए है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो गाइस इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।